अगर इंजीनियर साहब की नेचर है जज्बाती होना तो मेरी नेचर नहीं हो सकती हम तो हमारा तो शहर हम हम भी है के के इंजीनियर वो भी मिर्जा मुगल मैं भी मिर्जा मुगल हमारी तो काफी चीज सिमिलर है क्या मैं जज्बाती नहीं हो सकता ये हम जज्बाती नहीं हो सकते मेरा तो भी हो और तो गिर हूं मेरा एज भी विचो भी है एज भी थोड़ी है। है ये कह रही, है। ये कह रही है। भाई पाकिस्तान आ रहे हैं आप डर गए हैं? इसके लिए जाते-जाते कार्ड करवा क्या और नहीं भाई मैं किसी का बाप भी करता, ये बात याद है हम म तो पे जरूर कार्ड करवाएंगे आप आगे आगे बने चलो मैं तुम्हारे तो कार्ड करा देना यार अगर इंजीनियर की गुस्ताखी होगी तो, 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 हो तो मैं तो करा ना तो तो से वीडियो दियो ना। सारे स्टूडें मेरे मैं पैसे बैठे हुए हैं असलकुम वरह वक् मैं मिर्जा शाहेब सब सबसे पहले माजरत मैं काफ़ी टाइम से गायब हुआ हूँ यूट्यूब से तो काफ़ी दोस्तों के ये इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हैं और काफ़ी को यहाँ पर भी आया किसान भाई आप कहाँ चलेंगे आपको डर गए हैं क्या मामलात हो गए हैं तो पहले चीज़ तो ये है कि जो तो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम पर मेरे साथ अपडेट पर हैं उनको तो पता है कि मैं स्विजरलैंड था अभी भी मैं दो तीन कंट्रियों के होल टूर मुसलसल करने लगाऊँ तो चक्र मिली साहब तो चलो अपनी बात को मुफ्तीसर करता हूँ जैसा कि मेरी जो लास्ट वीडियो मेरी जो लास्ट वीडियो आई है वैसे पे दो वीडियो दो है। है, मेरे चैनल दो और भी अपलोड हुई मुफ्ती मुगर के खिलाफ क्योंकि बात है मैं उस शख्स को मानता ही नहीं की जिसके पास डिग्री तो हो लेकिन उसको बात करने का तरीका और सलीका ही ना हो जो जवाब ना दे पाता हो और उसके अंदर इतना गुरूर हो कि वो बाकी सालों को जैल समझे और अपने आप को मुफ्ती आलिम सारा को समझे तो मुफ्ती साहब आपकी ये जहलाना हरकतें देखे तो आपको जैल मा जाएगा वेल्डनसा काम किया है क्योंकि मैं मैं था तो मैंने उसको कहा कि आप वीडियो बना दें और अपलोड कर दें चले मैं अपने मौजू पर आता हूँ जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो मौका आया था ध्रुव अर्राठी की वीडियो पर

जिनके जवाब वो दिया करेंगे तो ये तो मेरे पहले दो एट अ टाइम वो ध्रूब राठी वाली वीडियो अपलोड होती है तो उस पर मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी इंजीनियर साहब से दो इलमी इख्तलाफ़ एक ध्रूब राठी के मतलब था और दूसरा मुफ्ती राशिद रेदी के मुतल था चले पहले इख्तलाफ़ पे आते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मुझे उस इख्तलाफ़ की इलिम दलील मिलती है या मुझे इंजीनियर साहब कुरान सुन्नत से या किसी इलमी किताब से या कोई इलि दलील देते हैं तो मैं अगर मैं गलत हुआ तो इंशाल्लाह मैं फिल फोर अपनी वीडियो से रजू करूँगा और अपना रिजू रिकॉर्ड करवा दूँगा इसी में मामला को लेकर चलते हुए मैं वेट कर रहा था इंजीनियर साहब की वीडियो का दरअसल कुछ टाइम पहले इंजीनियर साहब से किसी ने यही सवाल दो किए नाम तो मेरा नहीं लिया लेकिन किसी ने यही सवाल उनकी लाइफ स्टोरी में जारी किया है उनका जवाब देते हुए इंजीनियर साहब ने अपना मौक़ पेश किया आप साहब ने वोक़ भी सुन लिया अगर मौक़ नहीं सुना तो मैं इस वीडियो का लास्ट में वो मौक़ लगा दूंगा आप वो भी सुन लीजिएगा जैसा कि मेरी गुजारिश ये थी कि मैं मैं मेरा किसी इख्तलाफ है ज़ाती इख्लाफ नहीं है इंजीनियर सबको ऐसा मैं अपने टीचर मानता हूँ क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले और इमाम हज़रत अली का कॉल है कि अगर आपने किसी अखिलाफ से सीखा तो आपको उस्ताद है तो अबाई अली से मैंने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ सीखा है और इस किसी से सीखने का मतलब ये नहीं है किसी को टीचर बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप उनकी अंदी तकलीद करते रहें और उनकी हर हक बात को भी हक कहें उनकी हर ना हक बात को भी हक कहें तो ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है अगर मैं बाईस साल बरेलवी रहकर उनकी जो चीज़ें गलत लगी हैं उनको छोड़ सकता हूँ तो क्या इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब की जो चीज़ गलत लगे उसको नहीं छोड़ सकता तो उसी को लेकर चलते हुए मुझे इंजीनियर साहब का ये मौक़ जो कि कुरान को सन्नत के ख़िलाफ़ लगा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है तो अभी जब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब की वीडियो होती है तो उन्होंने अपनी वीडियो में ना तो कुरानो सुनत का हवाला दिया है ये कह दिया जाके डॉक्टर नाइक साहब की वीडियो देख लें उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस वक्त भगवान का लफ्ज दुनिया में अरब के करीब हिंदू लोग खुदा के लिए इस्तेमाल करते जायज है, प्रेफरेबल प्रेफरेबल तो है।, है।, है आप बोल सकते हैं इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है मुख्तलि उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है और ऐसे मामला दलील कोई नहीं दी लेकिन उनके जब अच्छा एक चीज़ और जब मैं वीडियो बना रहा था और मैंने वीडियो अपलोड किया तो नीचे वाले कमेंट में लोगों ने कहा कि आप सबसे पहले अली भाई से रबा कर लें अली भाई से फ़ोन पर बात कर लें और अली भाई से अपनी चीज़ें कन्फर्म कर लें ठीक है और अली भाई से आप खिलाफ आया फ़ोन पर ही कर लें तो मैं आपको एक चीज़ पहले आगाह कर दूँ कि वीडियो बनने से पहले भी अली भाई से रब्ता हो चुका था और जब एक कोई इलमि इतलाफ़ बता दिए गए थे लेकिन उन्होंने भी कुरान सुनने से मुझे हवाले नहीं दिए उन्हें कह शरीफ भाई आप वीडियो अपलोड करें मैं इनशाला कमेंट लिस्ट में आकर उसका जवाब दे दूंगा मैंने वीडियो अपलोड की अच्छा वीडियो पे आपने ये भी कहा कि भाई बड़ी जज्बाती वीडियो हो गई है आप जज्बात में आ गए ये जातीफ हो गए हैं तो आप देखे अगर आपने मेरी साथी वाली वीडियो देखी तो उसमें भी जज्बाती हुआ था लेकिन आप उस उसपे क्यों नहीं बोले और हाँ आप इसलिए रले हुए हैं अगर ये शख्स इंजीनियर मोदी मिर्जा के खिलाफ कोई एक्शन लेता है मतलब उनको कतल करने में कामयाब होता है ऐसा सीन करता है तो आप कल गाजी का झंडा लेके इसके आप खड़े होंगे अभी आप इसके खिलाफ मौका पहले दे रहे थे अगर ये कोई ऐसा क्राइटेरिया होगा तो हम इसको गादी बना के आपसे से लाइफ इसी मामले में बात हुई है सर ये शख्स और ये सारे हमारी घूमत आएगी हम सबसे पहले इंजीनियर को लगा पाएंगे या तो आप कहना यार ये शख्स हमारा है हम टी एल पी वाले हम ही है इसको चीमा क्या है चीमा को मरवाने वाले मतलब तशद करवाने वाले हम ही है इंजीनियर के घर के उसकी अकेडमी के बाद पेशाब करवाने वाले हम ही है इंजीनियर को गाली दिलवाने वाले हम ही है इंजीनियर 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 लप लप लगाने वाले हम ही है जब जिस ओलामा से बात हो रही है किसी भी इंजीनियर 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 मतलब इंजीनियर आपके लिए एक ऐसा एक फोबिया बन गया आपसे सजी बात करें आप इंजीनियर को बीच में जाते हैं जैसे अगर इंजीनियर साहब की नेचर है जज्बाती होना तो मेरी नेचर नहीं हो सकती हम तो हमारा तो शहर भी सेम है जेल के जेल के उधर भी इंजीनियर मैं भी इंजीनियर वो भी मिर्जा मुगल मैं भी मिर्जा मुग़ल हमारी तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है क्या मैं जज्बाती नहीं हो सकता यार मेरी अपनी नेचर से बड़ी जज्बात वाली है और तो जब अकीदे तोहीद का मामला है तो क्या इस भी जज्बाती ना होगा तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो जज्बाती टाइप में तो वीडियो के अंदर काफी अच्छी चीज़ें होगी जिसके बाद जज्बाती हो गया ना तो वो मैं बिल्कुल मानता हूँ शायद मैं अभी भी इस वीडियो बनाता बताया तो जज्बाती हो जाऊँ हमारी नेचर ही ऐसी है तो नेचर को चेंज नहीं किया था। देखा था है भाई हमारी नेचर अगर उम्र जैसी है वो भी जज्बाती थे गुस्से वाले थे तो कहीं हम गुस्सा नहीं कर सकते ये भाई सिर्फ ये फतवा सर वाले भाई के लिए इंजीनियर साहब मेरी बात हो चुकी थी उन्होंने कहा सकते भाई वीडियो अपलोड करें हम इनशाला कमेंट लिस्ट में आपका जवाब देंगे कमेंट कोई नहीं आया उस वीडियो के बाद हाँ लेकिन उन्होंने अपना बयानी रिकॉर्ड करवाया एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया लेकिन वल्ला मैं उस जवाब से सेटिसफाई नहीं हूँ उन्होंने इलमी जवाब नहीं दिया और मैं अभी भी अली भाई की दूर राठी वाली वीडियो से लाने बरत करता हूँ ठीक है क्योंकि जब तक वो उसका जवाब नहीं देंगे या उस पर अपना रिजु रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे हमारा इस मामले में मैं बार बार बता रहा था उस वीडियो में भी कि हमारा इस मामले में अली भाई इलमी के खिलाफ है जाति के खिलाफ नहीं है हम उनको कफर का फतवा नहीं दे रहे स्टूडेंट ने मुझे क्या चाहिए भाई आपने कुफर का फतवा लगाया मैंने लगाया मैं मुफ्ती हूँ और मैंने बुहारी शरा शराब बुहारी दिखाईया कि भाई इसमें फतवा आया भाई इस मामले में तो भाई आप उस 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 बुखारी को देखो ना मैंने फतवा दिया है जिन जिन ने फतवा दी उनको देखो और जो कफ़ार से मोहब्बत के मामला है वो तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है रसूलुल्लाह कुरमान महम्मद रसोल सिद्दात बैनहु मैंने कहा है अल्लाह ने कहा है कि आपस आप में तो भाई इनकी मोहब्बत है ये के लोगों के बारे में ये सख्त होते हैं तो मेरा यही तो मौक़ था कि दूसरा सवाल के इंजीनियर साहब कफार के बारे में आप बड़े मोहब्बत और बड़े संजीदगी अंदाज़ में बड़े उनसे प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं जबकि अपने वामाँ की बारी आती है तो आप उन पर दे तनकीद पर तनकीद दे तनकीद पर तनकीद अगर आप कफ़ार के बारे में प्यार मोहब्बत कर रहे हैं आप अपने प्यार मोहब्बत करते हैं कई ओलमांप आपके साथ जुड़ जाते लेकिन सिर्फ आपकी तनकीद और आपकी ये ऐसी चीज़ें करते हुए तनकीद करते हुए आपसे सारे साइड पर हुए हैं तो यही तो मेरा सवाल था कि अली भाई आप जिस तरह कफार से मोहब्बत कर रहे हैं क्या आप मुसलमानों से भी ऐसे ही करते हैं तो वल्ला आज उम्मत में की जो मेहनत थी शायद आगे जाके आपकी ये साथ जुड़ जाती। लेकिन नहीं आपने तो तनकी शुरू कर दी और कफारत फूल जवाब नहीं दिया जैसा की मुफ्ती राशि वाली कहा था अली भाई इसका जवाब दे लेकिन अली भाई ने अपनी उस वीडियो में जो अपने नया बयानी रिकॉर्ड कराया इसमें राशद बयान दे दिया आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछे कि आप इंडियन से ज्यादा नफरत करेंगे या उस पाकिस्तानी गद्दार से ज्यादा करेंगे जो पाकिस्तान की जड़े काट रहे तो मैं उससे ज्यादा करूंगा इस तरह जो इस्लाम के गद्दार है किसी रसुल्ला का दिफा करने वाले मुनाजरों में बैठ के पीछे संभालना पड़ने वाले गद्दार लोग और अभी तक उनको तोबा की तोफीक भी नहीं मिल रही इतने बेशरम है इनकी कबर तक ये गुना इनके साथ जाना है और इलानिया गुना इलानिया तोबा की तोफीक नहीं मिल रही कितनी अकड़ है शख्स के अंदर कैसे तोबा की तोफीक नहीं मिल रही क्योंकि ऐसे पता है कि फिर मुझे इंजीनियर को मजदूद मानना पड़ेगा यार तू मुझे मुजद माने बगैर ही तोबा कर ले अपनी आखिरतों बचा और इंजीनियर साहब ने जो दूसरा मामला उठाया है अपने इस वीडियो में जवाब देते हो मुफ्ती राशि यादवी को कि वो चश्ती वाला मामला है मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठाया कहता हूँ कि इस मामले को इन शाला अगले महीने वाइंड अप किया जाएगा चश्ती रसुल्ला पर फाइनल वीडियो ली जाएगी मुफ्ती कलम से मैं सबसे राबे में हूँ तमाम मुफ्ती एकेम से मैं रबते में हूँ अलमदुल्ला मैं थोड़ा बिज़ी था लेकिन फिर भी इनसे रबे हूँ मैं कह मुझे अगले महीने आप एक लाइव डिबेट कर लें मेरे साथ लाइव कन्वर्सेशन कर लें मुकाला रख लें मुबासा रख लें जो भी रख लें लेकिन मुझे मुफ्ती चश्ती रसोल्ला पर आपकी फाइनल वीडियो चाहिए वो फाइनल वीडियो आपकी चीज़ मानी जाएगी पुरानी वीडियो से जो भी है वो इनशाला उसको हरम करके आपका जो बयान है वो लिया जाएगा चीज सोलह पे आखिरी आखिरी मौकफ तो बढ़े जो मुफ्तिया ने कल बरेलविया हज़रा के और जो के उनसे फाइदल वीडियो ली जाएगी वीडियो रिकॉर्ड में होगा इनशाला लाइव डिबेट का मैं इन पूरा, पूरा पूरा हमारा मैं भी इन तब तक फ्री हो जाऊँगा और कुछ मुफ्तिया नेकाम इन शामने सामने बैठ के बाद होने जा रही है जल्दी इनशाला ठीक है इस मामले को भी लेके जाया जाएगा मैं फिर कह रहा हूँ हाँ मुझे कुछ कमेंट आए कि उन्होंने कहा शेब भाई आप तो मुफ्ती राशिद साहब के आ, उन्होंने आपको लॉन्च किया है और आप पहले उनके खिलाफ बोलते रहे हैं फिर उनके हाथ में हर देखो मैंने मुफ्ती राशिद साहब से भी इतला किया हुआ है कॉल आई फ्री तो जिन पे किसने की है मैंने की है अली भाई की वीडियो का हाक अली भाई की वीडियो के साथ कौन खड़ा हुआ मैं खड़ा हूँ और इसको आखिर तक ले गए और फायदे उस पर वीडियो भी बनाई है बनाई है कि नहीं बनाई मुफ्ती राशे साहब के खिलाफ में जा सकता हूँ जिनको अपना टीचर भी मानता हूँ उनसे काफ़ी चीज़ों उनसे भी सीखी हुई हैं तो क्या अली भाई के खिलाफ से नहीं सकता क्या अली भाई की अन्य तकलीफ करता रहूँ मैं जहाँ पे वो गलत है उन्हें हक कहता रहूँ और जहाँ पे वो सही है उन भाभी उनको सही कहता रहूँ भाई ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है जहाँ पे भी अली भाई गलत होंगे उनको गलत कहा जाएगा और जहाँ पे वो सही है उनके साथ खड़े हुए हर मामले में कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं शायद ये भाई आप व्यवरशिप के लिए कर रहे हैं व्यवरशिप आएगी और भाई व्यवरशिप करनी होती ना मैं लब्भाई स्टूडेंट फेडरेशन का चैनल ना छोड़ता व्यवरशिप करनी होती ना तो भाई अगर पैसे को पीछे भागना होता अलहमदिल्ला मैंने मेरा ब्लॉगिंग चैनल था मैंने स्पेन में जाकर हेलीकॉप्टर बुक करवा के उस पर ब्लॉगिंग की हुई है जितने पैसा यूट्यूब देता नहीं उतने पैसे मैं अपने टूर्स पर हर्च कराता हूँ बड़े अफ़सोस की बात है जब तक मैं मैं टी के खिलाफ था तो अली भाई के स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हुए थे आज मैं अली भाई के खिलाफ आया हूँ एक, एक मामला पे अली भाई के स्टूडेंट सारे मेरे खिलाफ हो गए नहीं छदे भाई ये बात क्यों की आपने और सर जी पे अली भाई गलत क्या अली भाई इंसान नहीं है अगर हमारा ये कैदा हो गया ना कि अली भाई गलती नहीं कर सकते अली भाई जो कहते हैं वो हक है तो अल्लाह हम शिरक कर रहे हैं अली भाई सवाल अली भाई गलती कर सकते हैं हमारा उनसे अकीदा सिर्फ अकीदत सिर्फ उनकी इलमी लेवल तक है भाई जो हक कहेंगे उसको हक मारा जाएगा जो कुरान होगा और जहाँ पे वो गलत है उनको गलत कहा जाएगा यही तो रोना है हमारा कि भाई आप बरेलवी हजरात के और जहाँ पे वो गलत है उनको गलत कहो जहाँ पे वो हक है उनको हक कहो जो बंदी के जो हक़ है उनको हक कहो जो तो गलत है वो गलत हो यहाँ तक के शिया हजरा की भी स्पोर्ट करते हैं जहाँ पे वो हक हो तो यही तो मामला है जहाँ पे अली भाई गलत होंगे हम अली भाई गलत कहेंगे और मैं इस अली भाई के द्रुप बैठी बरात शुरू से पहले रख रखा हुआ है और अभी तक है मेरा जब तक इलमी जवाब नहीं देंगे वो बाकी मेरे मामला पर जो 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 अच्छा हाँ मैंने मेरे पास अभी बारह तेरह सवाल लिखे पड़े वैसे कि अली भाई से हर हफ्ते दो सवाल करूँगा मुझे इलमी इतलाफ़ है जो मैंने खुद इकट्ठे किए हुए तो हैं तो ये क्या हुआ दो सवाल किए तो भाई सारे स्टूडेंट मुंह बना के बैठ गए हैं अभी तो मेरे हो बाकी है तो अब आप, आपका क्या बनेगा भाई हौसला रखो अली भाई गलती कर सकते हैं अगर गलती नहीं अगर वो दस रिजू रिकार्ड ही कराएगा अली भाई ने दस गलतियाँ सिर्फ रिजू रिकॉर्ड करवा दी है ना तो ये क्या ग्यारहवीं गलती नहीं हो सकती हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि अली भाई गलती है मैं तो कह रहा हूँ आप इलमी लेवल पे आके इलमी जवाब दें अगर वो कुरान सुन्नत से कब्र कबूल हुआ तो हम मानेंगे हम इनक्यरी कब कर रहे हैं हम तो इनक्वाई कर ही रहे देखा मैं स्टार्टिंग में क्या करना मैं शायद इस वीडियो में भी जज्बाती हो जाऊँ भाई हमारी निश्चय है जज्बाती अली भाई की नहीं है बताए ना अली भाई की है ना अली भाई मिसाल करके देते उम्र की क्या हम जज्बाती नहीं हो सकते हमारा मेरा तो हूं भी हो नेगेटिव है और तो ज्यादा गर्म हूं है मेरा एज भी चौबीस साल है एज भी थोड़ी है खुदा का नाम है तो ये चीज़ ना लिखा करें कि ये हो गया वो हो गया भाई हम तो अलहदुल्ला मेरी जो टीम है इस्लामिक रिसर्च सेंटर की हम तो बगैर रिसर्च किए कोई चीज़ अपलोड ही नहीं करते टाइम ज़्यादा ले लेते ले हैं लेकिन बगैर रिसर्च के अपलोड ही नहीं करते और मैंने तो टी एल पी से इतना सख्त खिलाफ आया मैं तो उनके मामला कह रहा हूँ भाई मैं आवाम ये कह रही खेल है भाई लगता है आप पाकिस्तान आ रहे हैं आप डर गए हैं इसके लिए आपने भाई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया टी एल पी कुछ ना गया हो भाई मैं किसी के बाप से भी डरता ये बात याद रखना बिछा वो टी एल पी वाला हो बेशक बिहु इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो ये मेरी याद याद रखना मैं किसी से भी डरता मेरा टी एल पी से इनशाला अगर मैं पाकिस्तान आता हूँ ना तो सामने बैठ कर इनशाला सारे मामला से बात होने वाली है वह तो इन कुछ महीने के अंदर अंदर मैं कुछ महीने कुछ दिन के अंदर अंदर टी एल पी की प्रॉपर वीडियो इन शाला अपलोड होगी तो हर चीज़ अपलोड होगी क्या मामला थे कहाँ से ये मामला चले हैं कहाँ पर ये मामलात पहुंचे हैं हर हर चीज़ अपलोड होगी लेकिन मैं वेट किस चीज़ का कर रहा था कि भाई हाँ शायद बैठ कर इन मामला को हमने सामने किया जाए लेकिन वो नहीं हो पा रहा इंजीनियर साहब को भी मैंने मैसेज किया मैं क्या सर मैं अगर मैं इस तारीख को पाकिस्तान आऊँ तो क्या आप मेरे साथ आमने सामने बैठेंगे कोई जवाब नहीं आया अब तक कि आज शे भाई आप आइए हमने साथ बैठ के मामला कॉल करते हैं और सर मैं तो ये बनना हम तो किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं हम तो कहते हैं भाई बैठ गए सामने आके सारे मामला कर लेते हैं बाकी इंजीनियर साहब की जो जो बात गलत होगी जो उन लोगों से टकराएगी हम उसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे इंजीनियर साहब हो डॉक्टर इसरार हो डॉक्टर इसक हो मौलाना इसाक हो डॉकिर नाइक अच्छा डॉक्टर झकर नाइक की हम दे रहे थे आप क्या डॉक्टर झकर नाइक अल्लाह माफ करे गलती नहीं करता और याद रही है दो हज़ार जब आपकी पहली वीडियो आई थी

उनके भी इन मैं जल्दी एक वीडियो कराकर उन सबके जवाब दूंगा मैं आप सबकी पॉइंट पढ़ता होता हूँ अक्सर ज़्यादातर पॉइंट के जवाब आप मेरा मैनेजर भाई मुबीन देता है काफ़ी जवाब मैं खुद भी दे देता हूँ वैसे जो मेरे से इंस्टाग्राम पर रब्ता करते हैं भाई उनको मैं खुद जवाब देता हूँ अलहमद और इन शाला जल्द इन मामला को आमने सामने बैठ के हल किया जाएगा जो भी जिस किस्म के भी मामला हुए और टोटी एल बी के हों वो इंजीनियर साहब के हो हमारा मकसद ना फिर फैलाना फैलाने किसी पर तनकीद कर रहे ना अन्य किसी की तलकीद करना है भाई हाँ जी ये बंदा है हमारा बंदा है अब ये हक बोले सच बोले झूठ बोले हम उनके साथ खड़े भाई ये काम हमारे अंदर नहीं है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जहाँ गलती करेंगे हम बोलेंगे जहाँ वो हक पे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं यही मामला मेरा हर मेरे टीचर के खाता है जिनसे मैंने एक लगता सीखा है वो मेरे टीचर है मैंने मुफ्ती राशिद से बहुत कुछ सीखा है अपने इंजीनियर साहब उनसे बहुत कुछ सीखा है जिनसे जो कुछ सीखा है अगर वो हक पे हुआ मैं उसकी आमायत में खड़ा हुआ जो वो गलत हुआ उसके खिलाफ खड़े होंगे मामला एक तरह से है आप बताती याद पर लेके जा रहे हैं सारी बातें इन शाला जल्द ही कोंट करते कि मुफ्ती राशिद साहब से आपका इंटरव्यू आ रहा कहाँ गया कहाँ गया कुछ दिन सिर्फ शायद मेरी एक दो वीडियो हो रहा है उसके बाद वो इंटरव्यू अपलोड हो जाए जल्दी इंटरव्यू होना क्या जल्दी डेट्स देट डन हो चुकी हैं इतना बता रूंगा आपको मेरे बहुत से इंटरव्यूज़ की डेट डन हो चुकी है पर डेट नहीं बता रहा अभी लेकिन वो आने वाले हैं इन जल्दी बाकी स्टूडेंट के जो कमेंट्स हैं उनके भी जवाब आ जाएंगे मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें आपके सारे कमेंट को मैं इनशाला रीड करके एक एक कमेंट का इन जवाब दूंगा बाकी अल्लाह मुझे भी इस तकामत दे और हक़ की आग पर चले तो फिर किताब फरमाए जहाँ पर मैं गलत हुआ इन शिविर बात से रिजू करूँगा और इंजीनियर साहब फिर एक मुतमाना गुजारिश है कि आप हमें इलमी वीडियो दें हमें इलमी किताबें सुनत से दुखला दें कि भाई देखो कफार ऐसे मोहब्बत कर सकते हैं जरूर बैठक को ऐसे लव यू बोल सकते हैं और हमारा मुफ्ती अरे कराम से ये इतनाफ है ये मामलात है वल्ला आपने इलमी दी मैं सारी बातों से रजू करूंगा चलो मैं तो तोड़ करा देंगे यार अगर इंजियर गुस्सा ही होगी मैं तो तुम्हारा काड़ करा देंगे यार इंजियर सा गुस्सा ही रेडी है तो मैं तो तुपार का्ड करा देंगे तो मगर तुम वीडियो दियो ना सारे स्टूडेंट मेरे मगर पाए गए इन आधार बैठे हुए हैं बाकी मैं बस इन शाला जल्दी मेरा सेटअप तैयार हो रहा सारा मैं इनका सेटअप में बैठ के इन वीडियो बनाया करूँगा दरअसल मैं जब इटली नहीं होता या मैं अपने शहर में नहीं होता था मैं गाड़ी में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरी आदत है मैं ट्रैवलिंग का बहुत शक्पीर हूँ शुप्पी हूँ जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मैं ब्लॉगिंग भी करता रहा हूँ काफ़ी कंट्रीज़ में मैंने की है और अभी मैं काफ़ी कंट्रीज़ में मेरी वीडियोज़ आने मतलब वीडियोज़ नहीं मैं था काफ़ी कंट्री विजिट करने लगाऊँगा बहुत जल्दी मतलब एक महीने के अंदर तीन चार कंट्रीज़ में लगातार विजिट करने जा रहा हूँ तो इसलिए मैं मेरा बिजी था अब मैं कोशिश करूँगा इन चला वीक में एक आधी वीडियो मेरी आया है करे जो मामला है इन अगर मेरी कोई बात इस वीडियो में बुरी लगे तो सॉरी वो वीडियो भी बता रहा हूँ ये वीडियो जो जज्बात है वो हमारे अंदर है वो हम नहीं कंट्रोल जैसे अली भाई अपनी बात पे कंट्रोल नहीं कर सकते हम भी नहीं कर सकते है मैं तो अभी भी चौबीस साल का इंजीनियर माइंड है मिर्जा मुगल हूँ जेलम से हूँ तो हम भी कर सकते हैं इलमे अख्तलाफ और हम भी जज्बात में आ सकते हैं इसमें तो इंसान के हाथ में नहीं है इंजीनियर साहब वल् आपसे यातियात पर कोई इक्ताफ़ नहीं है जहाँ पे आप गलत हैं उनको गलत कहा जाएगा जहाँ पे आप सही है आपको सही कहा जाएगा मुफ्ती राशिद साहब को जो आप ये लफ्जे छोटू ये चीज़ें बुलाते हैं हमने आपसे मुतबदा गुजारिश की जाए कि इस पर भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाएँ और बताएँ लेकिन आप फिर वही गुस्सा वही कफ़ार से मोहब्बत और मुसलमानों से दिलदारी करते हुए नज़र आए आप मतलब मुसलमानों को तनकीद कर रहे हैं नज़र आए तो भाई ये एक तो इलिमी इतलाफ है इसका आप जवाब दे दें इन शाला हम आपके साथ खड़े हुए हैं جزاكم الله خيرا وما علينا الا البلع والمبين